अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ विद मरियम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको जहाँ रखे खुश रखे आबाद रखे। और इसी दुआ के साथ आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो आज जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा कि मैंने बनाए हैं स्पेशल देसी छोले, जो कि मैंने आपके साथ पहले भी रेसिपी अपने वीडियो पे चैनल पे शेयर की है आपके साथ। तो आज हम बनाएंगे देसी छोले, जो कि नॉर्मली मार्केट में अवेलेबल होते हैं। सो सबसे पहले मैं फिनिश करूंगी अपना रूटीन का काम और उसके बाद हम रेसिपी स्टार्ट करेंगे। सो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। स्टे कनेक्टेड एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब लाइफ विथ मरियम। चने हमने जो है रात को भिगो के रखे थे, तो अब मैं इनको बॉयल कर लूँगी और उसके बाद हम रेसिपी स्टार्ट करेंगे। सो सबसे पहले हम चनों को बॉयलिंग के लिए थोड़ा सा नमक ऐड करके और छोड़ देंगे। सो स्टे कनेक्टेड। दो ऑनियन लिए हैं और ग्रीन चिली लिए हैं, ग्रीन कोरिएंडर लीव्स लिए हैं, 3 टमाटर लिए हैं, 1 कप लिया है इमली का पल्प और चाट मसाला और कुटा हुआ धनिया और लाल मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर और कुटी हुई लाल मिर्च और ज़ीरा लिया है। उसके अलावा मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा कसूरी मेथी, थोड़ी सी ऐड करूँगी और उसमें घी ऐड करेंगे। सो स्पाइसेस मैं आपको बता देती हूँ क्वान्टिटी। और मैंने लिए हैं आधा किलो चने, जिनको मैंने ओवरनाइट कर दिया था, सोक किया था पानी में और बॉयल कर लिया था। सबसे पहले मैं घी में भून लूँगी अनियन को। अनियन जैसे ही ब्राउन हो जाएंगे तो उसके बाद मैं इसमें टमाटर ऐड करूँगी और बाकी स्पाइसेस ऐड करके अच्छी सी ग्रेवी तैयार कर लेंगे। सो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। और ऐसे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ विद मरियम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक आपको जहाँ रखे खुश रखे आबाद रखे। तो आज हम लोग बना रहे हैं छोले की रेसिपी। आज हम बनाएंगे जो छोले की सब्जी होती है वो बनाऊंगी मैं विलेज स्टाइल में। तो रेसिपी एंड तक ज़रूर देखिएगा। उसके लिए मैंने अनियन जो है बिल्कुल फ्राई कर लिए हैं और मुझे चाहिए 3 बड़े साइज़ के टमाटर और ये ग्रीन कोरिएंडर लीव्स हैं और ग्रीन चिली है। और तो अभी हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। मैंने अनियन जो है फ्राई कर लिए। हाँ, तो अभी ये देखिए टमाटर नरम हो चुके हैं और अभी मैं इसमें इमली जो है वो ऐड करूँगी। इमली का पल्प निकाल के रखा था हमने, तो अभी हम इसको मिक्स करेंगे और जब टमाटर बिल्कुल मिक्स हो जाएंगे तो उसके बाद मैं इसमें ड्राई स्पाइसेस ऐड करूँगी। तो स्टे कनेक्टेड। अब हम इसमें ड्राई स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 टीस्पून में हल्दी ऐड करूँगी और 1 टीस्पून भर के हम लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे और 1 टीस्पून भर के ऐड करेंगे कुटा हुआ धनिया पाउडर और पिसा हुआ धनिया पाउडर, दोनों में इसमें ऐड करूंगी। और उसके अलावा मैं इसमें ऐड करूंगी नमक
नमक ऐड करूँगी मैं इसमें 1 टीस्पून और कसूरी मेथी ऐड करूँगी इसमें 1 टीस्पून। तो अभी हम इसको फ्राई करेंगे थोड़ा सा और उसके बाद हम इसमें चने ऐड करके इसको भून लेंगे। और फ्रेंड्स इसमें 1 टीस्पून मैं इसमें ऐड करूँगी कुटी हुई लाल मिर्च जो कि मैं ज़रूर ऐड करती हूँ। चने ऐड करेंगे जो मैंने रात को भिगो के रखे थे और 1 घंटा पहले मैंने बॉयल भी करके रखे हुए थे। तो अब हम इसको मिक्स करेंगे जब तक ये चने हैं ये बिल्कुल इसमें तकरीबन गल जाएंगे तब तक हम इसको पकाएंगे। थोड़ा सा मिक्स करूँगी और उसके बाद इसमें 1 कप पानी ऐड करूँगी। तो फ्रेंड्स वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो अब इसमें इतना पानी ऐड करूँगी और उसके बाद इसको हम ढक्कन लगाकर छोड़ देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। तो फ्रेंड्स ये देखिए यहाँ पर हमारे चने जो हैं वो मैंने गलने के लिए रखे हैं। तो इनको और थोड़ा सा पकाएंगे और जैसे ये जो ग्रेवी है थोड़ी सी थिक हो जाएगी तो हम इनको डिश आउट करेंगे। सो आज की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इन गाँव की वीडियोस में बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाली है और बहुत ज़्यादा हमने मेहनत से ये वीडियोस बनाई हैं तो कमेंट करना मत भूलिएगा। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल लाइफ विद मरियम एंड माई सिस्टर्स चैनल हैदराबादी यूट्यूबर नगमा। तो फ्रेंड्स अभी हम 10 मिनट के बाद चेक करेंगे। ये देखिए चने जो हैं तकरीबन जो है ये गल चुके हैं मगर ये जो पानी है इस पानी को थोड़ा सा हम खुश्क करेंगे और थोड़ा सा ये पानी हम इसको ड्राई कर लेंगे। उसके बाद हम इसको करेंगे डिश आउट। ये तकरीबन गल चुके हैं और अभी इसके ऊपर हम लोग थोड़े से जो तो अभी हम इसमें थोड़ी सी हरी मिर्च मैंने ऐड की है और इसको हम मिक्स करके और दोबारा से हम इसको ये देखिए कितने ज़बरदस्त चने हमने तैयार किए हैं लकड़ी की आग पे। तो अभी मैं इसको दोबारा से कवर करके और छोड़ दूँगी। और ये देखिए आग हमने थोड़ी सी स्लो कर दी है ये मीडियम पे है क्योंकि ये जो मिट्टी की बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए हमारे चने जो है तैयार हो चुके हैं और अभी हम इनको डिश आउट करेंगे। रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स ये देखिए हमारे जो देसी छोले हैं वो तैयार हैं। रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी और बहुत सारे विलेज स्टाइल के व्लॉग्स के लिए और रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और बहुत सारी वीडियोस मैंने अपलोड की हैं जिसमें मैंने अपने खेतों की अपनी ज़मीनों की विज़िट करवाई है जैसे कि आपको मेरे बैकग्राउंड में नज़र आ रहा होगा। सो बहुत सारी वीडियोज़ के लिए प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड बी हैप्पी स्टे हेल्दी। और सबका ख्याल रखिए और अच्छी आबोहवा में रहिए एंड मास्क ज़रूर पहनिए। और इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला आपको जहाँ रखे खुश रखे आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़। स्टे कनेक्टेड।